लेकिन उसको ऐसे लगेगा जैसे अंदर से मरे को किसी ने हाथ को फेंक कर पकड़ करके, वो छोड़ नहीं रहा है लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा है, वो छोड़ेगा नहीं, आलू को छोड़ेगा नहीं, उसको लगेगा जैसे अंदर से कोई पकड़ रखा और करेगा, बेली आकर क्या करेगा, गले में रस्सी बांधेगा और लेकर के डंडा मार कर बंदर को नचाएगा, बंदर को नचाएगा। कभी ये एक है, है? दूसरे उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब होता है तोता, तोते को कैसे पकड़ते हैं बेलिया, तोते को पकड़ते हैं एक डंडे, एक जैसे बांस का होता है ना अंदर में, जैसे आप ऐसे पंखा घुमाते हैं ऐसे उसका डंडा होगा, उसके ऊपर में बांस का होगा, उसके ऊपर ऐसे करके इसको ऊपर में कोई फल लटका देगा है, लेकिन वो तोता अगर बैठेगा, जो बैठेगा खाने के लिए वो क्या होगा, नाली है ना, नली है, वो झट घूम जाएगा नीचे, जो उसको पकड़ेगा, पकड़ते ही तोता क्योंकि उसके अंदर में जैसे आप पंखा घुमाते हैं ना, उसके अंदर में एक लकड़ी होगा, उसके ऊपर में बांस जैसे होता है ना, बांस जैसे होगा, इसको पकड़ करके बैठते ही झट वो घूम जाएगा, लेकिन ये घूम जाएगा वो नीचे लटक जाएगा वो तोता, लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे मानो हमें कोई पकड़ लिया, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा, टे 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 टे, लेकिन छोड़ेगा नहीं, वो टे 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 करने लग जाता है, फिर बेल जाएगा वो तोते को पकड़ कर लेकर के पिंजरे में बंद कर देता है। तो उसी तरह कभी जो जीव मुक्त है, जीव आनंद है, जीव ये माया को छोड़ सकता है, लेकिन हम क्या कहते हैं ना, अरे अगर हम घर बार छोड़ देंगे हमारा संसार कैसे चलेगा, हमारे पिताजी कैसे खाएंगे, भैया कहाँ रहेगा, भैया क्या करेगा, भाभी क्या करेगा, संसार कैसे चलेगा, हैं? संसार अगर तुम इस समय मर जाओ संसार नहीं चलेगा, बढ़िया से चलेगा। कितने कितने लोग का, कितने लोग बच्चे को छोड़कर चले जाते मर जाते हैं, संसार के बड़े बच्चे नहीं होते हैं, देखने वाले जगन्नाथ जी हैं, हमने देखने वाले नहीं। जैसे बंदर को लगता है हमें हाथ किसने पकड़ कर रखा, जैसे तोते को लगता है हमें किसने पकड़ करके रखा, लेकिन उसको कोई भी नहीं पकड़ा, वो छोड़ करके जा सकता है लेकिन वो छोड़ता नहीं, बांस बहलिया आकर पकड़ करके उसको बंद कर देता है। ठीक उसी तरह हम भी इसी माया संसार में बिना कारण के, बिना जंजरी के, बिना जंजरी के हाथ पैर बंधा हुआ है, घर छोड़ करके हम नहीं जा पाते हैं, उसे घर कैसे छोड़ देंगे, ये तो भैया को कौन देखेगा, भैया को मर जाओ अभी देखना चलता है चलता नहीं, बढ़िया से चलेगा, इसलिए हम ऐसे ही माया में बंधे पड़े हुए, इसलिए हम गधे हैं, इसलिए गधे का अंदर में ये गुण है, इसलिए दो उदाहरण देकर समझाए, इसलिए बलदेव प्रभु सबसे पहले गधे के क्यों मारे, इसलिए बलदेव प्रभु ये गुरु, बलदेव प्रभु आदि गुरु, गुरु का काम क्या है, ओम अज्ञानति विराम तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है जो हमारे हृदय में जो अज्ञान है, जो हमारे हृदय की अज्ञान को दुर्वृत्त करके हृदय में जो दिव्य ज्ञान को प्रकाश कर दे, ये गुरु का काम है। इसे बलदेव प्रभु ने क्या किया, उन्होंने पहले, उन्होंने गुरु का काम क्या है, सबसे पहले संत एवास चिंतन थी मन अभ्यास संगोक्ति थी, कहते उनका जो वाणी नहीं एक खड़ग ही एक तलवार है, और जैसे तलवार की तरह काट देते हैं, गुरु जी भी हमारे हृदय में जो अज्ञान है ये अज्ञान को काट करके हृदय में दिव्य ज्ञान को संसार कर देते हैं, कहते गुरु जी का ये काम है। इसे बलदेव प्रभु बहुत सारे लीला किया, श्यामानंद प्रभु तो तैयारी होकर के आए हैं, आज 5 मिनट कर दिया, बलदेव बोलते थे खाली गए हो, वाले गए हो, ठीक है जी, वाले खाली पड़ी गिर से हो, तो इसलिए बलदेव प्रभु किसको मारे, पहले उन्होंने श्री गर्धवासुर को, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्री गर्धवासुर को वध किया करके हृदय की जो अज्ञान है, जो अंधकार, जो गधापन हमारे हृदय में, वो गधेपन को उन्होंने खत्म किया। फिर उन्होंने किसको वध किया, प्रलंबासुर को, है प्रलंब सबरे श्रवण कर रहे थे ना महाराज, बता रहे थे कि प्रलंबासुर कैसे वृथा अभिमान है, कभी उन्होंने उनको उनको भी उन्होंने वध किया। फिर उन्होंने तिब्रित बंदर को उन्होंने मारा है, कहते उन्होंने द्वारका में उन्होंने द्विविध बंदर, कभी जो द्विविध बंदर था वो रामलीला में राम को उन्होंने बहुत मदद किया, बहुत उन्होंने राम की सेवा की, लेकिन ये लक्ष्मण कोई सोचता था ये क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं, जो कुछ राम है, जो कुछ ये राम है, लेकिन ये लक्ष्मण के अंदर में कुछ है ही नहीं, हाँ बल बीजे कुछ नहीं, ये बेकार है, हैं ऐसे। लेकिन जब रामलीला समाप्त हो गया, अभी कृष्ण लीला आई, कृष्ण लीला आने पर क्या हुआ, अभी वही लक्ष्मण अभी बलदेव प्रभु रूप में आए, वो
वही राम अभी कृष्ण रूप में आए। लेकिन उसमें क्या हो गया, जब जब उन्होंने लक्ष्मण का प्रति अनादर भावना आई ना, उसका कुछ असत संग हो गया, वो असत संग में पड़ गया। अगर असंग ऐसे की चीज है ना, जैसे सजाई से फल खाई, जैसे सजाई से फल खाई, जैसे संग करोगे ठीक तुम्हारे अंदर में वैसे भावना आना शुरू हो जाएगा। शराब को साथ में बैठे शराब पीने लग जाओगे, चोर को साथ में बैठे चोर बनने लग जाओगे। इसलिए जैसे संगत में बैठोगे ना, संग ऐसे है ना, सब कुछ करने वाले ये संग है। इसलिए संग, इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होना, तब तक जीवन में संत संग नहीं मिलता है, और जब तक संतों का संग नहीं मिलता है, तब तक भगवान की कृपा नहीं होता है, तब तक उनकी बुद्धि सुधरती नहीं। लेकिन अगर जीवन में साधु संग हो गया तो क्या समझो, हमारे सारे संसार का बंधन खत्म होने वाले, संसार का दुख कष्ट समाप्त होने वाले जीवन में जब साधु संग हो जाए। इसलिए अभी उन्होंने लक्ष्मण पर गुरु तत्व है, अभी जब गुरु जी के ऊपर उनकी, लक्ष्मण के ऊपर में राम का तो सेवा किया, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को जो अनादर भावना किया है ना, धीरे 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 उसका असत संग होने लग गया, उसको असत संग में बैठने शुरू कर दिया, और असत संग में बैठ करके अभी पूरा ही असत हो गया, पूरा असत हो गया। इसलिए हमें रक्षा भगवान नहीं करते, कौन हमें रक्षा करता है, भक्त लोग रक्षा करते, संत ही हमें रक्षा करते, ठाकुर जी थोड़ी हमें कुछ बोलेंगे, कुछ बोलते नहीं, बोलने वाले तो साधु है। इसलिए अभी जब द्वापर युग आ गया, वही बलदेव प्रभु रूप लक्ष्मण आ गए। एक दिन बलदेव प्रभु अपना पत्नियों को लेकर के उन्होंने विहार कर रहे थे, जब विहार कर रहे थे, बलदेव प्रभु का पत्नी तो बड़ी सुंदर है, अभी तो सुंदर सुंदर पत्नी को देख करके ना, जो दुविध बंदर था है? उसने तो गंदी गंदी हरकत करने लग गया, उल्टा पुलटा नंगी होकर के गंदी 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 हरकत करने लग गई, हाँ उल्टा पुलटा अश्लील काम करने लग गया। इतने बलदेव प्रभु सोच रहे थे, भैया जो कुछ हो, लेकिन द्वापर युग में राम का सेवा कर दिया ना, मेरे प्रभु का सेवा, जो कुछ होने पर भी, इसलिए बलदेव प्रभु सहना कर रहे थे। लेकिन उसने इतना उल्टा पुलटा करने लग गए और बलदेव प्रभु का सहन नहीं हुआ, बोले दुष्ट तेरे को माफ कर रहे, मतलब जो इच्छा सो करोगे। बलदेव प्रभु निकाले अपना हाल को, मारे पकड़ करके खेच करके ले आए, और उनका जो मुसल था ना बलदेव प्रभु का, मुसल से मारे उनका सर में, मारे तो एकदम छकना शुरू कर दिए, एकदम उनकी छका छुड़ा दी है, उनको समाप्त कर दिया बलदेव प्रभु। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, यहाँ पर कहते हैं, अर्चयित्वा तु गोविंदम तद भक्तम न अर्चयित्वा जात न च भागवत गया केवल दाम्भिकम स्मृतम है। कहते अर्चयित्वा तु गोविंदम, जो व्यक्ति गोविंद का अर्चन करते हैं, आराधना करते हैं भगवान को, लेकिन उनका भक्तों को कोई आदर नहीं करते हैं, न अर्चयित्वा तद भक्तम, कहते न च भागवत गेयम, कहते वो भागवत नहीं, क्या है, केवल दाम्भिकम स्मृत, उसके हृदय में केवल दाम्भिकता ही प्रकाश पाती, दाम्भिकता प्रकाश पाती। इसलिए इसलिए जब तक श्री बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होगा ना, इसलिए निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण बाबे है ना, निताई बिने भाई राधा कृष्ण भाई। इसलिए बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होने पर ये मिलेगा नहीं। इसलिए एक दिन श्री बलदेव प्रभु भ्रमण करते करते है, भ्रमण करते करते कभी नैमिषारण्य में पहुंचे, नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पर श्री कहते श्री लोमहर्षण सूत्र है, लोमहर्षण सूत्र था, वो बैठ करके पुराण सुना रहे थे, बहुत ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, वो सबको पुराण सुना रहे थे। लेकिन जब बलदेव प्रभु भ्रमण करते करते वहां पर पहुंचे, अभी बलदेव प्रभु को देखा, उन्होंने देख करके भी उन्होंने आदर नहीं किया है, आए कोई बात नहीं, जो कुछ हो, मैं तो पुराण बोल रहा हूँ ना, पुराण बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहा हूँ, वो आए बैठ जाएंगे अपने आप। बलदेव प्रभु ने देखा, देख करके मुझे तो बड़ा घमंड है, इसका अंदर में तो बड़ा घमंड है, बलदेव प्रभु कौन है, ये कृष्ण से अभिन्न है, ये सेवक विग्रह है, ये आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु, आदि गुरु यही है, है? इसलिए हमारी जितने गुरु परंपरा है, क्योंकि ये भगवत अभिन्न स्वरूप होते हुए भी ये भगवत सेवा की शिक्षा देते हैं, भगवत सेवा की वो शिक्षा देते हैं आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु। उन्होंने देखा दुनिया को कुछ शिक्षा देनी चाहिए, नहीं दुनिया तो सीखेगा नहीं, दुनिया कुछ सीखेगा नहीं,
इसलिए बलदेव प्रभु दुनिया को शिक्षा देने के लिए उनने क्या किया, बोले तुम तो कथा कर रहे हो लेकिन लगता है कोई शुद्ध परंपरा में, शुद्ध वैष्णव परंपरा में तुमने ये कथा बोलना नहीं सिखा है। इसलिए नियम किया है, जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। इसलिए शास्त्र कैसे पढ़नी चाहिए ऐसे नहीं, थोड़ी सी तुमने संस्कृत जान लिया, आचार्य देव कर लिया, संस्कृत जान लिया, अपने आप भागवत गीता को पढ़ लिया, अब पढ़ करके पुराण करना शुरू कर दिया। नहीं, नियम है कि जो भागवत विद्या, ये गुरुमुखी विद्या, ये गुरु परंपरा में ये विद्या आती है, ये विद्या अपने आप पढ़ने वाले विद्या नहीं, ये पढ़ने चाहिए गुरु परंपरा में, साधुओं की अनुगत्य में पढ़नी चाहिए। इसलिए बोले तुम तो पढ़ रहे हो, लगता है किसी सत परंपरा में तुमने शिक्षा नहीं पाई। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, अगर कहीं शास्त्र पढ़ रहे हो, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ गए ना, कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ गए, भागवत बंद कर दो, रख दो वहीं पर, भागवत को वहीं पर स्थगित कर दो। जो कोई श्रेष्ठ वैष्णव आए पहले उनका आदर देकर उनको बैठाओ, उनको प्रणाम करो। है इसलिए जैसे श्री अगर श्री इंद्रदुम्न महाराज क्या कर रहे थे, सत्यजुग में शालग्राम को पूजा कर रहे थे, अगस्त ऋषि आए, अगर अगस्त ऋषि आए तो मतलब अगस्त ऋषि क्या ठाकुर से बड़े हो गए, आए चुपचाप बैठ जाएंगे, मैं तभी शालग्राम को पूजा कर रहा हूँ, जब इनकी पूजा समाप्ति हो जाएगी फिर अगस्त ऋषि को मैं सम्मान कर लूंगा। इसलिए फिर क्या हुआ, अगस्त ऋषि को क्रोध आया, हैं बोले तेरे को पता नहीं कोई साधु आने पर सबसे पहले साधु का आदर। इसलिए बोले तीन तरह का भक्त है, कितने तरह का भक्त है, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम, तीन तरह के वैष्णव है। कहते कनिष्ठ वैष्णव का क्या लक्षण है, कहते अर्चयामेव हरे जम पूजाम श्रद्धयते न तत् भक्ते सुचान्य सुसभक्त प्राकृत स्पृत है। वो तो कनिष्ठ अधिकारी क्या है, क्या है, भगवान इसलिए जो व्यक्ति भगवान को तो अर्चना पूजा करता है अर्चया में भरे, भगवान को तो सेवा पूजा करते हैं लेकिन उसको भक्तों को इतना आदर नहीं देते हैं। अर्चयिता तो गोविंदम तद भक्तम न अर्चयिता, इसलिए भगवान को तो भगवान मान करके सेवा पूजा करते हैं, इतना नहीं करते। इसलिए कौन हो गए, कनिष्ठ हो। मध्यम भक्त का अधिकार क्या, बोलो मध्यम भक्त का, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु तिष्ठसु च प्रेम क्या होगा, प्रेम होगा। तद अधीन भक्तों का प्रति उनके साथ में ये मित्रता करेगा है, कृपा मैत्री प्रेम मैत्री कृपा, जो अतत्व उसको ऊपर में कृपा करेगा और जो द्वेषी उसको उपेक्षा करेगा। इसलिए जो मध्यम वैष्णव का लक्षण बताया है तो उनसे जो उच्च है वो क्या करेगा, कहते तो भगवान का प्रति प्रेम और उनका भक्तों का प्रति मैत्री, भक्तों का प्रति मैत्री है। इसलिए जो उत्तम अधिकारी सर्वभूतेषु च बसेत भगवत भावा, सभी का हृदय में जो भगवत दर्शन करेगा, अब भगवान में सभी जीवों का जो दर्शन करते हैं, कहते ये उत्तम अधिकारी है। इसलिए यहाँ पर बलदेव प्रभु ने क्या, उन्होंने क्या किया, बोले पुराण तो पढ़ रहे हो लगता है किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में तुमने पुराण नहीं सीखे हैं, आदि गुरु स्वयं बलदेव प्रभु है, उनको आदर करना नहीं करता, आदर नहीं कर पुराण पाठ कर रहे हो, उठाया उन्होंने घास, घास उठाया, अब बलदेव प्रभु मारे गले में गला ही अलग हो गया, सर ही अलग हो गया, मार डाले, हाहाकार मच गया, जितने सब वहां पर ऋषि मुनि थे बलदेव प्रभु इनको मार डाले। अभी इनसे हम पुराण सुनते थे, पुराण कहाँ से सुनेंगे, पुराण कहाँ से सुनेंगे, बोले कोई चिंता मत करो, उनका जो छोटा बच्चा था है, छोटे बच्चे थे जिसका नाम था उग्र सभासुतम, उन्होंने सर पर बलदेव प्रभु हाथ रखे और हाथ रखे ना उनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति हो गया, सारे तत्व ज्ञान, और उन्होंने बैठा दिया, पूरा पुराण धड़ाधड़ धड़ाधड़ श्री बोलने लगे, क्यों बलदेव प्रभु कौन है, बलदेव है, बलदेव है, सारे भक्ति का जो सारे बल श्री बलदेव प्रभु, इसलिए इतने पंगु लंघे थे गिरि मुखम करती वाचालम, जो मुख है
बलदेव प्रभु गुरु जी के पास जो मुख है वो बहुत बड़ा लेक्चर है, पचाल बन सकता है, जो पंगु जो लंगड़े क्या कर सकता है, गिल को वो लांग सकता है। इसलिए बलदेव प्रभु कृपा से सारे स्फूर्ति होने लग गया और धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब पुराना स्मरण शुरू कर दिया। सब जितने सुन रहे थे बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसे ही जो द्विविध जो बंदर है द्विविध जो बंदर है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा द्विविध। द्विविध मतलब क्या, बीत मतलब होता है जानना, द्वि मतलब दो, मतलब भगवान और वैष्णव, गुरु और वैष्णव को जो अलग दो समझते हैं, दो समझते हैं, कभी द्विविध बंदर है, लेकिन गुरु वैष्णव और भगवान ये अलग नहीं। इसलिए बोले यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथा भी जानिया हमें तार प्रकाश, कि जगत में अकेला भगवान कृष्ण है और जगत में सब उनका सेवक है, लेकिन एक व्यक्ति का धारणा क्या रहनी चाहिए, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास जगत में जब सबके सब भगवान का दास, गुरुदेव भी दास है, लेकिन एक भक्तों को क्या, एक शिष्य को अंदर में क्या भावना रहनी चाहिए, यदि भगवान की कृपा ही, भगवान ही अभिन्न रूप में हमें भक्ति शिक्षा देने के लिए एक गुरु जी रूप में अवतरण। इसलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, समस्त शास्त्र जिनको साक्षात हरि रूप में बताया है, हरि रूप में जिनको बताया। इसलिए यहाँ पर इसलिए दुई भी जो भगवान और भक्त को अलग समझते हैं, अलग समझते, अलग नहीं बल्कि वो एक ही है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का हृदय में भगवान की निवास होता है। जब हम किसी भक्तों को गुरुदेव का आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का प्रणाम, उसको साथ साथ में भगवान का भी प्रणाम हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बलदेव ब्रह्म क्या किया, उसको उन्होंने खत्म, उन्होंने उनको उनको खत्म कर दिया, द्विविध बंदर को। इसलिए आज श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव तिथि है, इसलिए बलदेव प्रभु हम सबको ऊपर भी कृपा करें, सबको ऊपर भी बलदेव प्रभु आशीर्वाद दे, क्योंकि बलदेव है, उनकी कृपा से ही हम भक्ति जगत में प्रवेश कर सकते हैं, वो आदि गुरु है, इनकी कृपा से ही हमें जगन्नाथ मिलेगा, इनकी कृपा से ही हमें कृष्ण मिलेगा, और बलदेव प्रभु बड़े दयालु, बड़े दयालु। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूरी सिर कीट है तो मुहि से लगिष्ट, कितना दयाल बलदेव प्रभु है, कहते पूरी सिर कीट मतलब जो टाटी के जो कीड़े होते हैं ना, कहते उसी से भी हम, उससे भी नीचे हम, उससे भी हम नीचे हैं, हैं? और जगाई माधाई है तो मुहि से पापी, जगाई माधाई इतने बड़े पापी थे, जब चित्रगुप्त भी लिख लिख कर लिख नहीं पाए, इतना पाप, कहते उनसे भी ज्यादा पापी हम है। इसलिए हमारे नाम जो लेता है ना उसको पाप होता है, और मेरे नाम को जो सुनता है इसको सारे पुण्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे जो गिरे हुए, ऐसे जो निकृष्ट व्यक्ति, इतने गिरे हुए व्यक्ति को बारे में कौन कृपा करने वाले, बोले एक बलदेव, नित्यानंद बलदेव प्रभु, यही केवल इतने निकृष्ट व्यक्ति को, गिरे हुए व्यक्ति को ही बलदेव प्रभु कृपा करते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु बड़े दयालु, जो बाहर खा कर तो प्रेम देने वाले हैं, सर भी फोड़ दिए, बोले कोई बात नहीं, एक बार मेरे प्रभु का नाम लो। ऐसे श्री बलदेव प्रभु आज इनकी जन्मतिथि, ये हम सबको ऊपर में कृपा करे, सबको ऊपर में आशीर्वाद करे। हम लोग बहुत गिरे हुए व्यक्ति, बहुत निकृष्ट व्यक्ति, हमारे हृदय में काम क्रोध से भरा पड़ा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से भरा पड़ा हुआ हृदय, ये हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, हमारी कोई दोष देखे बगैर ये हम सबको ऊपर में कृपा करे, जैसे हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिंदगी भर श्री बलदेव प्रभु का अनुगत्य में भगवान की सेवा कर सके, महाप्रभु की सेवा कर सके, ये हम सबको ऊपर में इनकी आशीर्वाद हो। श्री बलदेव प्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, जय जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री सुदर्शन चक्र की, राधा कृष्ण झूलन यात्रा महा महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण
ఎంత బలదేవరం కథ.